हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल आज 30 मार्च आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो पहली बार विजिट कर रहे हो आ चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए तो शुरू कर देखो दो क्वेश्चन आपने आंसर करने प्रीवियस डे के फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना भी जो फॉलोइंग आई आई टी हैज डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट मलेरिया टीबी एंड अदर डिजीज इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे सेकेंड क्वेश्चन इज विद स्टार्ट ए क्रू सर्विस फ्रॉम ट्वेंटी नाइन मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन ओके इन दोनों के आंसर्स बताओ कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे फ्रॉम स्टडी पोर्शन उनके आंसर शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट फेयर वीडियो तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नोबल प्राइज विनर हैज़ बिन ऑनर्ड विथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोर्डले अवार्ड इस अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे इंडियन है जिन्हें नोबल प्राइज अवार्ड दिया जा चुका है इनका नाम है जी अमृत्या सेन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पिक्चर भी आपके सामने लगे तो ये अवार्ड दिया जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द पर्सनस जिन्हें काफी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर कल्चर साइंस एंड कम्युनिकेशन ओके अमृत्या सैन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था इन इकोनॉमिक साइंसिस मिला था वो मिला था 1998 में एंड बोर्डले एक प्रिंसिपल लाइब्रेरी है इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ओके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 आई होप याद है सबको टॉक्सिक वो भी आप ज़रूर याद रखेंगे एंड जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया था फर्स्ट टाइम वो दिया गया था रविंद्रनाथ नाथ टाइगर को इन नाइनटीन 13 में फॉर हिज वर्क गीतांजलि लिटरेचर में दिया गया था मदर okay, टेरिसा को मिला था 1979 में 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 के लास्ट को मिला मिला 2014 में, इनको भी पीस में मिला। करते हैं next question. Recently the book title Indian Launch, तो बुक टाइटल इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म लॉन्च तो ये बुक लॉन्च हुई आपको बताने की इस बुक के ऑथर कौन है ओके okay, इस बुक के ऑथर हैं जी आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर वाई वी रेडी एंड जो चेयरमैन है फोर्टीन फाइनेंस कमीशन के एंड डॉक्टर जी आर रेड्डी जो है फाइनेंशियल एडवाइजर टू तेलंगाना गवर्नमेंट यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ई बोथ ए एंड बी ओके डॉक्टर वाई वी रेडी एंड डॉक्टर जी आर रेडी देखो दोनों रेडी रेडी हैं तो आपको याद रहेंगे ठीक है ओके okay. देखो नवीन चावला आई होप याद आ गया देखो मैं बार बार रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना तो इसलिए ये वोट इंप, बुक इंपॉर्टेंट एवरी वोट काउंट इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है नवीन चावला एंड सलमान अनी सोस इन्होंने भी मोदी जी गवर्नमेंट मोदी द ग्रेट डिसपॉइंटमेंट कैसे मोदी गवर्नमेंट ने तबाह किया इकोनॉमी को थे इनकी बुक में ये सारे वर्ड्स हैं कि मोदी गवर्नमेंट की जो खामियां जो जी लगा डिमोनिटाइजेशन हुई थी सिक्स आठ नवंबर दो में तो वो सारी खामियाँ लिखी गई थी इनकी बुक है जो सलमान अनी सोस तो वो भी आपको जरूर याद रखनी है ओके इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ई बोथ है एंड बी ओके देखो आज की वीडियो को भी हम लाइक टारगेट सेट कर रहे हैं न थाउजेंड लाइक्स ठीक है अगर वीडियो हेल्प कर रही है देन श्योरली आप इसे लाइक like जरूर कर दिया करो एंड इसे चैनल के बारे में आप ज्यादा से लोगों से शेयर कर दिया करो ठीक है अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है देन श्योरली लाइक करना आपको ओके फॉर श्योर एंड इसे शेयर भी करना है अगर वीडियो हेल्प कर रही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते विच प्रोग्राम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड फॉर स्कूल चिल्ड्रन्स बेसिकली प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो चुकी थी अब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है तो रजिस्ट्रेशन ट्वेंटी फिफ्थ मार्च से स्टार्ट हुई है इस प्रोग्राम का नाम है जी यू वी का ठीक है बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग एज में ही उन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंटरेस्ट अगर वो चाहते हैं तो उनके एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए तो एक यूवी का प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके तहत दो वीक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बेसिकली ये स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं ठीक है उनका एग्जाम आ चुका तो रिजल्ट uh, हो चुका तो बिटवीन में जो देखो अब रिजल्ट तक जो टाइम है ना टू वीक्स का तो उसके ड्यूरेशन में ये टू वीक्स का इनको प्रोग्राम लिया है जी जिसके ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी तो हर स्टेट्स में से तीन स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एकेडमिक मार्क्स इन एट्थ क्लास तो अब ये अंडर दिस यूविका प्रोग्राम ओके okay, यूविका का फुल फॉर्म है जी पूरा है जी इसका जो फुल फॉर्म है युवा विज्ञान कार्यक्रम ओके okay, तो ये चीज़ यहाँ रखेंगे इसरो इसे लॉन्च कर रहा है एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड आई होप सबको पता है ये चीज़ बेसिक चीज है जो इसरो का मोटो है ओके एंड इसरो की इस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी पंद्रह अगस्त फिफ्टीन अगस्त 1969 हंड्रेड सिक्सटी नाइन में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एक्सचेंज रिपोर्ट्स ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी इन्वेस्टिगेशन टैक्स देखो जो भी कंपनी मल्टी नेशनल कंपनीज टैक्स इवेड करती हैं अपना टैक्स पे नहीं करती प्रॉपरली तो इसके साथ हमारा भारत मिलकर किसी कंट्री के साथ प्रॉपर दोनों मिलकर काम करेंगे एंड इस चीज़ से देखेंगे कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कौन सी कंट्री के साथ ये समझौता कि हमारे इंडिया ने तो ये किया जी यूएसए के साथ यानी कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके okay, ये चीज़ याद रखना एंड यू के बारे में देखो तो बेसिक चीज एटलीस्ट आप सबको पता होंगी ही ठीक है कि जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फोर्टी फिफ्थ नंबर के प्रेजिडेंट है। वो चीज़ याद रखना एंड गाफा मैंने आपके सामने लिखा है आई होप किसी को याद आ गया होगा एग्जैक्टली गाफा जी फॉर गूगल ए फॉर एप्पल एफ फॉर फेसबुक एंड एम फॉर एमेजोन जो फ्रांस ने यह टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया था इन कंपनीज में ये टैक्स लगाने का ओके okay, देखो तो थोड़ी चीज़ों को रिलेट करना भी इम्पोर्टेंट है अदरवाइज डेली नई नई चीजें आ रही हैं तो पुरानी चीजों को भी इसलिए मैं कोशिश ऑप्शन में भी कोशिश कर रहा हूं कि प्रीवियस कुछ भी जो लेटेस्ट न्यूज में या प्रीवियस हैं उनको रखा जाए ताकि आपका रिविजन साथ साथ चलता रहे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिसेंटली हाउ मेनी वराइटीज ऑफ कॉफी गेट जी आई टैक तो कितनी वराइटीज ऑफ कॉफीज को जी आई टैक दिया गया हाल ही में तो कितनी वराइटीजें हैं जी पांच वराइटीज ठीक है पूरी पांच वरायटीज का आपके सामने नाम लिखा आप स्क्रीन शॉट लो इनका आप इसे एक दो बारी देखो एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं चार ऑप्शन दे दें दे, एक पूछ दें कि इसमें से कौन सा नहीं है ये चार दे दें दे तो पांच छह ऐसे बिल्कुल सेम दे दें दे दे, बताओ इसमें से कौन सा है ठीक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देखना एक दो बारी पढ़ोगे तो याद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल नो प्रॉब्लम एक दो बारी देखो तो ये याद हो जाएंगे ओके देखो तो अभी जो मैक्सिम जो हमारी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है ना इंडिया में साउथर्न स्टेट्स में ही होती है कर्नाटका में फिफ्टी फोर परसेंट तक कॉफी प्रोड्यूस होती है देन उसके बाद केरल में नाइन्टीन परसेंट तमिलनाडु में आठ परसेंट कुछ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में भी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली बैंक ऑफ बरोडा अनाउंस टू डेवलप ए डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म फॉर द फार्मर्स किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जी कर दिया है फार्मर्स बैंक ऑफ बरोडा ने तो ये बताना है कि इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है जी बरोडा किसान अब इसमें होगा क्या कि फार्मर्स के लिए बेसिकली फार्मर्स को लोन चाहिए कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए कोई भी इक्विपमेंट्स खरीदने उसके लिए लोन चाहिए तो ये बरोडा किसान जो फार्मर्स के ग्रीन का अकाउंट होगा उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा बैंक ऑफ बड़ोडा ओके बैंक ऑफ बरोडा के बारे में जो इसकी जो इसके क्वार्टर्स हैं गुजरात में हैं इसके एम डी एंड सी हैं पी एस जय इसकी जो टैगलाइन है वो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन तीन बैंक का विलय हो रहा है आई होप सबको याद है Broda, बैंक ऑफ बड़ोडा विजया बैंक एंड दीना बैंक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच नेशन हैज डिसाइडेड टू मेक गे सेक्स एडल्ट्री पुनिशेबल विथ डेथ बाय स्टोनिंग ठीक है काफ़ी दर्दनाक ये लॉ लिया है ये कंट्री ठीक है गे सेक्स करते एक ऐसा ऑफेंस बना दिया अगर कोई ऐसा केस मिलता है इस कंट्री में तो पुनिशेबल देखो डेथ तो देनी ही देनी है उन्होंने पुनिशेबल ऑफेंस है बट ये जो फांसी नहीं होगी डेथ बाय स्टोनिंग यानी कि देखो ये इतना दर्दनाक होगा कि जो ऐसा करेगा उन्हें सामने रखा जाएगा एंड लोग उन्हें पत्थर मार मार के उनकी जान ले लेंगे टिल स्टोनिंग मतलब तब तक मारते रहेंगे जब तक उनकी जान नहीं चली जाएगी ठीक है तो काफी ये जो ला ले है ये कौन सी कंट्री है जी ये, ओके ये चीज आई डोंट नीड टू वरी दिस मैटर एंड अबाउट कैपिटल कैपिटल है जी भंडार सारी बागवान एंड करेंसी है ब्रोनोई डॉलर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैज बीन रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल फॉर द 2024 थाउजेंड तो अभी कौन से तीन न्यू स्पोर्ट्स इंक्लूड की जाएंगे इन 2024 Olympics जो पेरिस में हो गए ओलंपिक गेम्स तो ये जो ब्रेक डांसिंग स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड नॉट थ्री फोर ओके सर्फिंग यानी कि एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दिस चार न्यू स्पोर्ट्स ये इंक्लूड की जाएंगे इन ओलंपिक्स जो होंगे जी हमारे पेरिस में ओके okay? एंड 2020 के होंगे जापान टोक्यो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द ज्वाइंट नेवल एक्साइज ऑसिंग डेक्स ए यूएसट्रेलिया आई एंड डी यानी इंडिया e 2019, जो बिटवीन नेवीज होती है ठीक है तो ये आपको बताना है कि ये दो अप्रैल यानी कि सेकेंड अप्रैल से सिक्सटीन अप्रैल तक होगी तो कौन सी जगह होगी ये होगी आंध्र प्रदेश यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट में ओके okay? ये बिटवीन नेवीज होती है अब नेवी से याद रखना नेवी डे एंड अभी इंडिया के जो नए ने, नेवी नेवी जो अपॉइंट होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड नाइनटीन प्रेजेंटली सुनील अनबाए एंड जो अब नए होंगे वो होंगे करणबीर सिंह वो चीज़ भी आप जरूर याद रखेंगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली विप्रो एंड विच आई आई टी कंपनी है साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन फाइव जी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ठीक है विप्रो एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया की तो अब ये किसी आई आई टी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके तहत रिसर्च करेंगे इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइव जी में ठीक है फोर जी तो चला रहे हो फाइव जी भी आएगा कुछ टाइम बाद तो कौन सी आई आई टी है जी आई आई टी आई आई टी खरगपुर आई आई टी खरगपुर कहाँ जी वेस्ट बंगाल में ओके okay, ये चीज़ आखना है आई आई टी खरगपुर ने अभी हाल ही में एक ऐसी ऐप भी बनाई थी जो फेक करेंसी नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है तो वो भी आई आई टी खरगपुर वेस्ट बंगाल द्वारा बनाई गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑन विच डे वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड तो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है ये किया जाता है जी हर साल सत्ताईस मार्च को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट किया जा गया था 1962 में फ्रांस द्वारा ओके okay, ये चीज़ याद रख लेना ये 1962 याद रख लो देखो ये क्यों किया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ थिएटर की पिक्चर देखना भी इंपॉर्टेंट है ठीक है अब देखो अभी मार्च तो खत्म हो गया फिलहाल अब एक दिन बचा है, कल का दिन बचा अभी तक इंपॉर्टेंट जो मैक्सिम डेज ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं विद इन ट्वेंटी सेकेंड्स आप सबका कर रिवाइज करवा देता हूँ फर्स्ट मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे तीन मार्च को वाइल्ड लाइफ डे सात मार्च को हुआ था जन औषधि दिवस आठ मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे पंद्रह मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इक्कीस मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे बाईस मार्च को वर्ल्ड वाटर डे चौबीस मार्च को यानी कि ट्वेंटी फोर मार्च को वर्ल्ड टीबी डे एंड ट्वेंटी मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे ठीक है मैंने ओनली इंपॉर्टेंटली आई होप सबको क्लियर है तो ये होगी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आई होप सारी चीजें क्लियर है कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी सजेशन आप जरूर मुझे कमेंट करके दे सकते हो okay, ओके कल के क्वेश्चन के आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डिटेल में देखना है हैं इनके आंसर कल का पिंड कमेंट जरूर देख लो यानी कि जो सबसे टॉप पे कमेंट होता है उसे एक बार पढ़ लो काफी अच्छे में स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है ओके एंड जो आज के लिए आपके क्वेश्चन हैं ठीक है ये पांच क्वेश्चन बताने रोज इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री देखो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Testa Hydroelectric Power Plant is situated in which state? The Central Institute of Agriculture and Engineering is located in which city? The Kaplishwa Temple is located in which state of India? And the fifth one is. किकली इज़ द पॉपुलर डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट ओके तो ये पांच मुझे बताओ देखो आप लिखोगे सर्च करोगे ऑटोमेटिकली बेनिफिट आप ही का होने वाला है ठीक है बिकॉज जो चीज़ें आप लिखोगे तो वो प्रॉबेबिलिटी ज्यादा बनती है कि वो चीज़ें आपके साथ ज्यादा टाइम तक रहने वाली हैं एंड वो चीज़ें आपको ज्यादा टाइम तक याद रखेंगे ओके okay? तो ये कल के विनर्स आप पिंट कमेंट जरूर देख लो जो नंबर वन पे है सबसे बेटर कमेंट उन्हीं का okay? ओके तो सारे कोशिश करोगे अच्छे वे हमें लिखो एटलीस्ट लिखो यार बिकॉज जो टॉप पे ये कमेंट होगा उस वही आपकी हेल्प करेगा बट एटलीस्ट आप सारे ट्राई करो इनके आंसर्स करने की ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो आई होप सारी चीजें क्लियर हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंटिल टेक केयर बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे